आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय। 5 साल में मध्य प्रदेश के सांसद और विधायकों की संपत्ति में लगभग 200 से 400 करोड़ का इजाफा हुआ है। आइए जानते हैं उस लिस्ट के बारे में जिनमें इन सभी सांसदों और विधायकों के नाम है, साथ ही ये भी जानते हैं कि किसकी संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है। इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं। 9 मौजूदा सांसदों की संपत्ति में करोड़ों का इजाफा हुआ है। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुषमा स्वराज, उदय प्रताप सिंह, गणेश सिंह, ज्योति धुर्वे, राकेश सिंह, सुमित्रा महाजन, नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र कुमार हैं। इसके अलावा 86 विधायकों की संपत्ति में भी कई गुना की बढ़ोतरी हुई है। उदय प्रताप संपत्ति 9 करोड़ बढ़ी। 2009 में संपत्ति 3 करोड़ थी, 2014 में 13 करोड़ हो गई, लगभग 234% इजाफा हुआ है। गणेश सिंह की संपत्ति 413% बढ़ी। 2009 में 73 लाख थी, जो कि 2014 में 3 करोड़ से ज्यादा हो गई। ज्योति धुर्वे की संपत्ति 268% बढ़ी। 2009 में संपत्ति 71 लाख थी, जो कि 2014 में 2 करोड़ की हो गई। राकेश सिंह की संपत्ति 188% बढ़ी। 2009 में 92 लाख, जो कि 2014 में बढ़कर 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सुमित्रा महाजन की संपत्ति 135% बढ़ी। 2009 में 79 लाख की संपत्ति, जो कि 2014 में 1 करोड़ से अधिक हो गई है। नरेंद्र सिंह तोमर की संपत्ति में 230% का इजाफा हुआ है। तोमर की 2009 में संपत्ति 34 लाख थी, जो कि 2014 में 1 करोड़ से अधिक हो गई। वीरेंद्र खटिक की संपत्ति 244% बढ़ी है। 2009 में 25 लाख की संपत्ति अब 2014 में बढ़कर 87 लाख हो गई है। जिन करोड़पति सांसदों ने अपनी चुनावी शपथ पत्र में आईटीआर की जानकारी नहीं दी है, उनमें बालाघाट सांसद बोध सिंह भगत, शहडोल सांसद ज्ञान सिंह, रीवा से जनार्दन मिश्रा है। वहीं 16 विधायकों ने भी चुनावी शपथ पत्र में आईटीआर की जानकारी नहीं दी है। इनमें 5 भाजपा विधायक और 11 कांग्रेस विधायक शामिल है। एडीआर ने आयकर विभाग को पत्र लिखकर अधूरी वित्तीय जानकारी देने वाले सांसदों और विधायकों पर जाँच और कार्रवाई की मांग की है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.